मैं जब फिल्म में आया तो मुझे ये बताया गया था कि एक फिल्म मेकर की कहानी है, और एक रात वो एक लड़की से मिलता है, और उसके थ्रू उसको अपनी सारी ज़िंदगी के रिलेशनशिप्स याद आते हैं। तो हर एक रिलेशनशिप एक टाइप की फिल्म थी, यू नो, लाइक कोई हॉरर थी, कोई मिस्ट्री थी, कोई रोमांस थी. विच इज़ आई थिंक इनका दैट्स द यूएसपी कि आपको एक फिल्म में इतने एक्सपेरिमेंटल एलिमेंट्स फिल्म है, तो 11 फ्लेवर्स मिलेंगे आपको एक फिल्म में. जबकि कहानी एक ही है, 10 कहानियाँ या 11 कहानियाँ नहीं है। इट्स वन स्टोरी, वन मैन, हिज जर्नी विद 11 वुमेन, मेड बाई 11 फिल्म मेकर्स। और आप एक्स के मल्टीपल मीनिंग्स निकाल सकते हैं, एक्स ऑल्सो मीन्स 10। तो जब फिल्म शुरू होती है तो वो एक लड़की से मिलते हैं और फिर 10 लड़कियों को याद करते हैं, तो आप उस नज़रिए से एक्स को देख सकते हैं। एक्स ऑल्सो मीन्स एक्स गर्लफ्रेंड्स एज इन अ शॉर्ट फॉर्म फॉर दैट, सो यू कैन टेक इट लाइक दैट। और मैथमेटिकली भी एक्स वेरिएबल होता है जो कीप्स डिफरिंग, यू नो, और के कॉन्स्टेंट होता है, द हीरो इज अ कॉन्स्टेंट। नेम ऑफ द प्रोटैगनिस्ट इज के, द फिल्म मेकर। इन टर्म्स ऑफ जॉनर, आप ये ध्यान रखिए कि ये एक बहुत ही बड़ा एक्सपेरिमेंट है कि 11 फिल्म मेकर्स ने अपनी अपनी फिल्म बना के दी और फिर शिखर प्रसाद ने उसको असेंबल किया, तो वो इन इट सेल्फ टू ब्रिंग इट अंडर वन बिग अम्ब्रेला। हाँ, 11 किस्म के फिल्में हैं इसमें, हॉरर है, रोमांस है, सब एक 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 सेगमेंट, एक एक फ्लैशबैक एक एक जॉनर में है। तो वी हैव मिस्ट्री, वी हैव रोमांस, वी हैव हॉरर, वी हैव अ ड्रग ट्रिप, वी हैव एरोटिका, वी हैव रोमांटिक कॉमेडी, वी हैव ड्रामेडी।